नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरित मानस का पाठ तो अभी से देखते होंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको एक बार से फिर से थैंक यू, और जो मेरा रामचरित मानस का पाठ या दूसरे वीडियोस देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रजनों को भी सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करने के लिए कहें। ये पाठ एक मंदिर के लिए है जो कि एक शुभ कार्य होता है और अच्छा है कि रामचरित मानस के सहारे का कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। देवी का मंदिर है और सीता माता भी देवी ही थी और उनका ही तो यही था, यही मैं चाहती हूँ। कल तक आपने स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार अपने इस कार्यक्रम रामचरित मानस से अयोध्या का। तो कल तक आपने जाना था कि माता केकई से वनवास मिलने के बाद में श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास आए थे और वहाँ बात सुनकर के सीता जी भी आ गई थी। देन माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं श्री रामचंद्र जी, पर मन में यह समझ कर ये समय ऐसा ही है। वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कोई दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सभी प्रकार की भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, यानी वे अपने आप को भूल जाएंगी, तो फिर अभी इसके आगे, तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुवाणी, कहू सुभाए सबत सत मोही, सुमुखी मात हित राखहु तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से अपनी पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म भलु, पाई बिना ही कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं मुनि करी प्रमाण मितुवानी, बेगी फिर अब सुनु सुमखी सयानी, दिवस जात नहीं लगी ही बारा, सुंदरी सिखा बनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुन लो, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम्हें दुख पाओ परिनामा, काननु कठिन भयंकरु भारी, घोर घामू हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है,
वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुशकंटक मग कांकर नाना चलब पया देही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे आगम अगाध न जाही निहारे, भालू बाघ बिक केहरी नागा करही नाद सुनी धीरजु भागा। पर्वतों की गुहाएं, खोर नदी नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनको देखा तक नहीं जाता। रीछ भाल बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक गर्जना करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बलकल बसन आसनु कंद फल फूल, तेकी सदा सब दिन मिलाही सुबई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनीचर चरही कपट वेश विधि कोटिक करही, लागई अति पहार कर पानी विभिन्न विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, यानी कि राक्षस घूमते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्यार कराल बिहग बन घोरा निशिचर निकिर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए मृग लोचनी तुम्ह भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकर याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगू, सुनी अप जसु मोही दे ही लोगू, मानस सलील सुधा प्रतिपाली जियई की लवन बयोधि पराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नव रसाल बन बिहरन सीला, सोई की कोकिल बिबिन करीला, रहू भवन अस हृदय विचारी चंद बदनी दुख कारण भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये पाठ मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो वो मंदिर है एक गांव में जो कि बहुत साल पुराना है, 60-70 सालों पुराना मंदिर है। तो उसी के लिए मैं ये
वतन कर रही हूँ, इसमें आप मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के सहयोग से मैं ये सब कर पाऊँगी, मुझे उम्मीद है। चाहे धीरे धीरे ही मेरा चैनल ये ग्रो करेगा, बट ठीक है, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, धीरे धीरे ही एक एक दो दो लोग ही मिल रहे हैं मुझे। मेरी फैमिली सब्सक्राइब, यूट्यूब फैमिली बड़ी हो रही है थोड़ा थोड़ा करके ही, तो यही मैं चाहती हूँ, थोड़ा ग्रो कर जाए तो मैं उस मंदिर की कल्पना कर सकती हूँ कि क्या होगा। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं इस मंदिर की वीडियो आप लोगों को डाल देती हूँ। देखिए ये बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर है, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि बड़ा होता तो फिर सोचने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती, तो मैंने सोचा था कि हो पाएगा, बट देखते हैं कि कितना पता। मैं आपको मंदिर की वीडियो इसमें डाल देती हूँ। सहज सुहृदय गुरु स्वामी, सिख जूना करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर अवसी, होई हित हानि। तो आपने वो वीडियो देखी, मंदिर की वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, या आप जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ आप उसमें आप कुछ ग्रो करते देख रहे हैं मुझे, या फिर आपको कितना पाठ अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक लाइक तो बनता है कि मैं इतना प्रयत्न कर रही हूँ इस सबको करने के लिए, तो एक लाइक तो आप मुझे कर सकते हैं, तो एक लाइक तो कीजिए। जितने लोग भी अगर देख रहे हैं उतने लोग, सभी लोग लाइक करें। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई ही शरद चंद निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चंद्रमा की राहत होती है। उतरु न आव विकल बदे ही, तजन चहत सुचि स्वामी सने ही, बरवस रोकी बिलोचन बारी, धरी धीरजु उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वह ये सोचकर व्याकुल होगी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोली, लागी सास पग कहकर जोरी, क्षमबी देवी बड़ी अविनय मोरी, दीने प्राणपति मोई सिख सोई, जेही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए, मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं बुनी समझी दीख मन माही, ये वियोग सम दुखी जन नाही, परंतु मैंने इस मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग में के समान जगत में कोई भी दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें विनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भागनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय,
सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगे नाथ ने अरुणाते पिए बिनु तिये ही तरन्यु ते ताते तनु धनु धामु धरणी पुर राजू पति विहीन सब सब शोक समाजू। हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग रोग सम भूषण भारू जम जातना सरिस संसारू प्राण नाथ तुम्हें बिनु जग माही मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिए बिनु देही नदी बिनु बारी तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल बिदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगरू बनु बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परंसाल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन की ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा करी हहीं ससुर सास समसारा कुस किस लय सासरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों के सुंदर सात्री ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी यानी कि बिछौना होगी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक एंड शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मुझे कमेंट अवश्य करें और एक लाइक तो बनता है जब पाठ कर रही हूँ तो आप लोग देख भी रहे हैं तो एक लाइक अवश्य कीजिए।